आ रही ना। एक्यूरेसी भी टेस्ट करते हैं गाइस, हवाबाजी में आपको नहीं दिखाऊंगा। लखनऊ के खस्ते बस 10 रुपए में। आज जलेबी का रेट 30 रुपए पाव है। मुझे याद है 98 में मैं 8 रुपए पाव खरीदता था। अब यहाँ पे गाइस हमें फॉल्स स्टेप ट्रैक करना है। वेलकम बैक गाइस, आज हमें देखना है कुछ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस जो आप बाय कर सकते हैं और अगर आपका बजट जस्ट 5000 रुपीज है। पिछले एपिसोड में हमने 10 स्मार्ट वॉचेस के ब्रांड टेस्ट किए थे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि कौन सा ब्रांड फीचर्स वाइज अच्छा है, एक्यूरेसी में अच्छा है, लुक वाइज अच्छा है, तमाम चीज़ें। उन सभी वॉचेस को मैंने कई महीने टेस्ट किया और अब नए स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं और पिछले एपिसोड से हमने 2 वॉचेस और ली हैं। जितने भी ब्रांड्स हमने ट्राई किए हैं, ये 5 ब्रांड सबसे बेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी में, लुक वाइज एंड बैटरी वाइज भी। ट्रेन से याद आया, ये सभी वॉच काफी ड्यूरेबल भी है। कई बार मुझसे ये गिर भी चुके हैं और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। अभी तक ऐसा लगा नहीं कि किसी फोन की स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आई, स्क्रैचेस आई, सारे के सारे एकदम परफेक्ट हैं। अरे कोयला जा रहा है, ये बड़ा डंडा लेके ऐसे कोयला झाड़ सकते हैं, गिर जाए फिर ऊपर ना, कोयला छुड़ा लेते हैं यहाँ से। फिर ये लास्ट एपिसोड की वॉचेस हैं। ये वॉच मस्त थी, स्टेनलेस स्टील की, जिसमें देखा इसमें क्वालिटी शो की। देखा अब ये अपने आप खुल के बाहर आ गई। सो दैट्स व्हाई मैं आपको वही वॉचेस दिखा रहा हूँ जो मैंने काफ़ी हैवी तरीके से यूज़ किया है और काफ़ी बढ़िया काम करती है। इसकी स्ट्रैप खराब हो गई, अभी ये गई सारी की सारी साइड में ना। अब आपको सबसे कम प्राइस में ना, लाइक सभी को चाहिए वॉच दिखने में भी सुंदर हो और उसमें बढ़िया फीचर्स भी हों, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह, जो वॉच कंसिडर कर सकते हैं वो है डीजो वॉच आर। फर्स्ट आप इस वॉच का लुक देखेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा। अगर मैं आपको अपनी ये गैलेक्सी वॉच 4 साथ में रख दूँ तब आप यहाँ पे देखेंगे कि नियरली दोनों वॉच एकदम सेम जैसी फील हो रही हैं। यहाँ पे आपको सर्कुलर डायल मिलता है और एमोलेड डिस्प्ले भी है, 1.3 इंचेस की है। यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलेगा और ब्राइटनेस इसकी काफ़ी बढ़िया है। मैंने अभी मैक्सिमम पे रखा है, अराउंड 550 निट्स है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि डिस्प्ले कैसा है। वैसे काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, बाकी ये 45 ग्राम की भी है, बहुत हैवी भी नहीं है। वॉच का यहाँ पे एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर स्टॉल है वो भी ठीक है, लाइक जैसे आपने स्वाइप किया यहाँ पे सारे क्विक सेटिंग आ गई और सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे आपको सारे विजेट्स दिख जाएंगे जितना आपने यूज़ किया, वो सारे यहाँ पे दी जाएंगी। टॉप से आएंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन पे मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं जितनी भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे कुछ आ जाते हैं। बॉटम से स्वाइप करेंगे तो आपको सारी सेटिंग्स, फीमेल हेल्थ, कैमरा, म्यूजिक सभी कुछ मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको सीधे स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा और वॉच का भी जो एप्लीकेशन है वो भी सिंपल है, लाइक आप देख सकते हैं डीजो वॉच आर सिंपल इंटरफेस बनाया गया है और सारे फीचर्स में मिलते हैं, लाइक आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी है, स्लीप ट्रैकिंग भी है, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर भी है, बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिमाइंडर, सेडेनेटरी रिमाइंडर, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ये वॉच आपकी 50 ATM वाटर रेजिस्टेंस है। स्ट्रेस मॉनिटर यहाँ पे नहीं दिया गया है। बैटरी लाइफ इसकी लाइक 4 से 5 दिन चल जाती है, कितना भी हैवी यूज़ करेंगे ना तो मेरे यूसेज में 4 से 5 दिन आराम से चल जाती है। अगली वॉच का आपने पहले भी देखी है, फिर भी मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि वो वॉच अभी भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लाइक हार्डवेयर वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। 1.5 साल से ये वॉच पहले लॉन्च हुई लेकिन अभी तक चल रही है, बैटरी बैकअप में भी कोई इश्यूज नहीं आया, प्रॉपरली वर्क कर रही है। और ये है Realme Watch 2 Pro, थोड़ी सी पुरानी लेकिन अभी भी गाइस ये एकदम स्टेलर वॉच है। वैसे इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, 40 ग्राम वेट है, 1.75 है LCD डिस्प्ले। आपको ऑफकोर्स एमोलेड नहीं मिल रहा है, बाकी यहाँ पे SPO2 भी है, हार्ट रेट भी है, स्लीप मॉनिटर भी है और यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी ना वो 390 mAh की है और ये वॉच IP68 है। और इस वॉच की सबसे मेन मुझे खूबी कह लेगी कि यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है ना वो काफ़ी एक्सीलेंट है, लाइक मेरे जो चार्जिंग में है ये लगभग 8 से 9 दिन आपको आराम से चल जाता है। और अनदर बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट भी मिलता है, तो ये अगर आप रियलमी के कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते ना तो सारे आपके यहाँ पे इसलिए दिख जाता है। डिस्प्ले भी इसका 1.75 इंचेस का है, काफ़ी ब्राइट है, अराउंड 600 निट्स है जो जनरली आपको 15,000 के बजट फोन में मिलता है। तो ये वॉच भी काफ़ी बढ़िया, हमने इसकी डॉप टेस्ट भी कर रखी है और काफ़ी ड्यूरेबल सॉलिड वॉच है। अब गाइस आपको 5,000 के अंदर में ना मुझे एक ऐसी वॉच रिकमेंड करना हो
जिसमें दो बहुत ही अच्छी खूबियाँ। सबसे पहली खूबी ये कि वो वॉच आई थिंक लाइटेस्ट वॉच आपको मिल सकती है। ये जो वॉच है ना, अमीश फिट बिप यू प्रो, इस वॉच की सबसे मेन खूबी क्या है कि आपको लाइटेस्ट वॉच कह सकते हैं। सेकंड, इसका रीज़न जो मुझे इंक्लूड करने का है वो ये है कि इस वॉच की जो एक्यूरेसी ना वो आई थिंक सुपर एक्यूरेट है। 1.43 इंचेस का डिस्प्ले है, नॉट दी बिगेस्ट बट ठीक ठाक है। सेंसर्स पे यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन मिलेगा जो कि फ्रॉम द कंपनी बायो ट्रैकर है, हार्ट रेट फ्रॉम द ऑक्सीजन बीट्स, स्ट्रेस मॉनिटर भी है, स्लीप ट्रैकिंग है फ्रॉम द कंपनी सोमनस केयर। UI भी इसकी काफ़ी अच्छी है, फ्लूइड है, सिंपल है, थोड़ी सी छोटी आपको ऑपरेट करने दिक्कत हो सकती है। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको एलेक्सा का भी सपोर्ट मिलता है और इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया, लाइक 6 से 7 दिन बहुत ही आराम से चल जाती है। ऑन दी ऐप सपोर्ट में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलता है, जेप ऐप आपको इंस्टॉल करना है, देख सकते हैं वॉच पे सब कुछ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन भी इसका अच्छा है। तो अगर आपकी नीड ऐसी तो आप इस वॉच को भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वॉच पे आते हैं। इस वॉच में देखिए खास बात क्या है ना कि इसमें फीचर्स सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसी वॉच चाहिए जहाँ पे आपको फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लाइक बहुत सारे फीचर्स चाहिए, इसमें ऐसे ऐसे फीचर हैं जो आपको अदर वॉच में दिखते ही नहीं हैं। और ये वॉच है फायरबोल्ट थंडर। देखिए कलर वाइज तो आपको हो सकता है अगर आप ब्लैक लेंगे आपको वॉच काफ़ी बढ़िया लगेगी, मैंने गोल्ड मंगाया थोड़ा अलग है, और ये कंप्लीट मेटल बिल्ड है, यहाँ पे ये ब्रश्ड फिनिशिंग दी गई है। इनसाइड यहाँ पे डिस्प्ले देखेंगे बहुत बिग नहीं है, 1.32 इंचेस का है। वॉच में बेसल्स तो काफ़ी सर्कुलर दिए गए हैं तो थोड़े वो सिमेट्रिक ज़्यादा फील होते हैं। सेंसर्स में यहाँ पे आप SPO2 मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हार्ट रेट भी है, स्लीप मॉनिटरिंग भी है, और यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर का फीचर नहीं दिया गया है। स्ट्रेस मॉनिटर की बजाय यहाँ पे आपको एक ऐसी यूनिक फीचर मिलती है जो मैंने जनरली नहीं देखी, यहाँ पे आप बॉडी टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। आई थिंक ये कोविड के टाइम पे ये चीज़ थी, क्योंकि जब आपको लग रहा हो कि लाइक अब ज़्यादा फीवर आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है जो कि मिलती है वॉच में, यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे आप म्यूज़िक लोकली स्टोर कर सकते हैं, आपको ऐप से कनेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे म्यूज़िक स्टोर करके उसको आप चाहें तो प्ले भी कर सकते हैं ऑफलाइन। यहाँ पे माइक भी है, स्पीकर भी है, चूँकि यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग है तो आप म्यूज़िक भी चाहें तो सुन सकते हैं। इस वॉच में आप गेम भी प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 गेम मिलते हैं। एंग्री बर्ड आपने देखा होगा, यहाँ पे यंग बर्ड करके गेम है, देख सकते हैं आप। वैसे मैं बहुत अच्छा गेमर नहीं हूँ। बाकी ये वॉच IP68 है, यानी कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। ऑफकोर्स यहाँ पे ऐप का सपोर्ट भी, आपको द फिट ऐप इंस्टॉल करना है। और अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर मुझे इस वॉच में ये लिखी कि आप इस वॉच के थ्रू ही कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको हार्ट रेट मॉनिटर करना है राइट, तो आपको इस वॉच पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू ही मेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, इसको एक्चुअली पहनना पड़ेगा ना यहाँ पे, तब आ रहा लाइक विदाउट में ये नहीं मेजर करता है। तो ये भी काफ़ी कमाल की फीचर है जो कि जनरली नहीं मिलती है। तो अगर आपको ऐसी वॉच है जिसमें आपको कमाल के फीचर्स भी हों और कुछ यूनिक फीचर्स भी हों, तो आप थंडरबोल्ट के इस वॉच को ले सकते हैं। एंड एट द लास्ट गाइस, 5000 में आपको एक मोस्ट इम्प्रेसिव ब्यूटीफुल लुकिंग वॉच चाहिए। आई थिंक आपको ये वॉच कंसिडर करना चाहिए और वो वॉच है नॉइस कलर फिट Ultra 2। काफ़ी लंबा नाम है, मैं थोड़ा सा खुद कन्फ्यूज हो गया था। देखिए सबसे यूनिक फीचर क्या है, अगर आप इस वॉच का डिस्प्ले देखेंगे ना देन आप काफ़ी सरप्राइज होंगे। यहाँ पे आपको आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्प्ले मिल रहा है, 1.78 इंचेस का है, AMOLED डिस्प्ले है। वैसे से यहाँ पे देखेंगे आपको नियरली सिमेट्रिकल मिल रहे हैं और एकदम आपको एप्पल वॉच की फीलिंग देगी। बाकी अनदर प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिलता है। ऑन दी सेंसर्स में यहाँ SPO2 पा सकते हैं, हार्ट रेट पा सकते हैं, स्लीप मॉनिटर भी है, बाकी और जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं लाइक फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकर वो सब भी है। ब्लूटूथ 5.1 है, जनरली ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, यहाँ पे 5.1 है। बाकी ये वॉच IP68 भी है। एप्लीकेशन भी इसका काफ़ी सिंपल है, आप फ़ोन से पेयर करके यहाँ पे यू नो सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। UI भी इसकी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है और क्लाउड पे सारे डेटा आपके स्टोर होते हैं। जब भी आप दोबारा किसी वॉच को कनेक्ट करेंगे ना तो आप सारे फीचर पा जाएंगे यहाँ पे। एक्टिविटी वॉच फेसेस भी बहुत सारे हैं, आप जैसा चाहे पे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कूल वॉच फेसेस, जैसे कि अभी मैं चलिए इसको चेंज करता हूँ, थोड़े से बिग सा लगाते हैं। देखिए अपडेट वॉच फेस, वॉच फेस भी ट्रांसफर हो गया, आप देख सकते हैं अब ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर लोगो नॉइज का आ रहा है। और इस वॉच का भी बैटरी बैकअप अच्छा है, 7 से 8 दिन मेरे हैवी यूसेज में निकल जाता है। कंपनी 9 से 10 दिन क्लेम करती है बट आई थिंक उतना मिलता नहीं है, जनरली 1-2 दिन कम ही मिलता है। तो अगर आपको सबसे बिगेस्ट डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए
और फीचर्स भी चाहिए लाइक स्ट्रेस मॉनिटर, वो सारी चीज़ें इसमें हो और बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, तो ये वॉच आप कंसिडर कर सकते हैं। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां रे, काफ़ी बेकार गाया हूँ, फिर भी एक्यूरेसी भी टेस्ट करते हैं गाइस। हवाबाजी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि अच्छी चल रही तो अच्छी चल रही, मैं आपको स्टेप्स ट्रैकिंग दिखाता हूँ कि नियरली सारे वॉच काफ़ी एक्यूरेट हैं। और ऐसे रेफरेंस मैं गैलेक्सी वॉच 4 यूज़ कर रहा हूँ, ऑफकोर्स प्रीमियम वॉचेस तो एक्यूरेट होती हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा आगे तक जाता हूँ, बैक करके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कितने कितने स्टेप्स हैं, अब एग्जैक्टली कितने एक्यूरेट हैं अभी तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मेरी मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे सारे कैलकुलेशंस दिखा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा कितने एक्यूरेट हैं। नाश्ता भी हो गया, अब चलिए कुछ काम की बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस हमें फॉल्स स्टेप ट्रैक करना है। जनरली ऐसा हमने देखा है, एप्पल वॉच मैंने फील किया है, सैमसंग की गैलेक्सी वॉच में भी ऐसा होता है कि कभी कभी ना फॉल्स स्टेप और फॉल्स स्टेयर्स काउंट हो जाते हैं। अब मैं 1 किलोमीटर की ड्राइव करता हूँ क्विकली अपने ऑफिस के अराउंड में, लेट्स सी कि क्या होता है। स्टेप्स देखूँ तो 799 है, जहाँ तक मुझे याद है उतना ही था। ये रियलमी वॉच 2 में 694 है नॉइज़ में, एंड 733 है अमेज फिट में, थंडरबोल्ट फायर वोल्ट में 1191, डीजो में 737, जहाँ तक मुझे याद है उतना ही था, गैलेक्सी में 1740। थोड़े मोड़े स्टेप्स होंगे, एग्जैक्टली आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे कितने हैं। तो ये रहे गाइस कुछ बेस्ट स्मार्ट वॉच जो आप ले सकते हैं अगर आपका बजट 5000 रुपीज़ के आसपास में। सारी वॉचेस मैंने प्रॉपरली खुद पर्सनली यूज़ करके टेस्ट की है, एक्यूरेसी भी इसमें सभी कुछ में बढ़िया है और सारी वॉचेस काफ़ी बढ़िया काम भी करती हैं। लेट मी नो अगर आपको लगता है कोई और वॉच भी है जो 5000 में आती है, आपको लगता है कि वो भी मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, डेफिनेटली हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में जरूर ट्राई करेंगे। ओके सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज़ एपिसोड, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।